नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, भारत और चीन सीमा को लेकर बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है और किस प्रकार से भारतीय सेना ने चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया है और गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों ने तिरंगा झंडे को लहरा दिया है, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ भारतीय जवान भारतीय तिरंगे झंडे को लेकर बर्फीली पहाड़ियों के पास खड़े हैं। और दोस्तों, समाचार एजेंसी ANI के हिसाब से ऐसी खबर निकल के सामने आई है कि चीन ने जो प्रोपोगेंडा फैलाया था गलवान घाटी को लेकर कि हमने भारत और जो चीन का विवाद हुआ था जिस क्षेत्र में, वहां पर झंडा फहराया है, उसका खंडन करते हुए भारतीय सेना के जो सैनिक गलवान घाटी में तैनात हैं उन्होंने इस फुटेज को जारी करते हुए ऐसा बताया है कि अभी भी गलवान घाटी में भारतीय सैनिक हथियारबंद और भारी संख्या में तैनात हैं। चीन केवल प्रोपोगेंडा फैला रहा है और ऐसी कोई भी बात नहीं है कि जहां पर संघर्ष हुआ था वहां पर चीन ने कब्जा कर लिया हो। और इसके साथ ही दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से भी रिएक्शन आया है कि अभी हाल फिलहाल में चीन की तरफ से अरुणाचल प्रदेश के 15 अलग अलग जगहों के नाम बदलने को लेकर प्रस्ताव आया है, परंतु भारत ने यह साफ कर दिया है कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा नहीं है, यह भारत का एक अभिन्न अंग है और भारत का ही राज्य और भारत का ही रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों, भारतीय सेना ने भी चीनियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है और गलवान घाटी में भारतीय जवानों ने तिरंगा फहरा दिया है। इसके साथ ही दोस्तों, गलवान घाटी में अभी भी भारतीय सेना के जवान तैनात है और यदि चीन की तरफ से कोई भी काली करतूत होती है तो भारतीय सेना उसको मुंह तोड़ जवाब देगी। इसके साथ ही चीन ने जो बॉर्डर पर प्रोपेगेंडा फैलाया था वो अब धरा का धरा रह गया है और चीन की सच्चाई सबके सामने आ गई है। इसके साथ ही दोस्तों, आप सभी की भारतीय जवानों की इस कार्रवाई के ऊपर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।